السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और चाहिए कि हर जान इस बात के अंदर गौर करे कि उसने कल आने वाले क़यामत के दिन के लिए आगे क्या भेजा है और अल्लाह ताला से डरते रहो। काबिल सद एहतराम भाइयों बुज़ुर्गों अजीज़ साथियों, ये जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में मुझे और आपको जो दावत दी है, ज़रा उस दावत के उसलूब पे गहराई से जाके गौर कीजिए। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर जान तुम में से गौर करे कि उसने कल आने वाले क़यामत के दिन के लिए, अगली जिंदगी के लिए, मख्शर के दिन के लिए, योम हिसाब के लिए क्या आगे उसने जमा किया हुआ है। उसकी वजह मेरे भाइयों इंसान की नफसियाती वजह है। ये जो अल्लाह ने इस उसलूब से दावत दी है ना, इंसान दुनिया में अगर कहीं पे इसका झगड़ा हो जाए, कहीं पे इसका फड्डा पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, कलैश हो जाए, तो इंसान को अगर दो चार बंदे घसीटें, मारें, बेइज्जत कर दें, तो इंसान जब उनसे छूटता है ना, तो सबसे पहले इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे देखता है कि यार जिन बंदों के दरमियान ये मेरी जिल्लत और रुसवाई हुई है, कहीं इन देखने वाले तमाशाइयों में से कोई अपना दोस्त, मोहल्लेदार, करीबी रिश्तेदार या अजीज तो वहां पे नहीं था। अगर ना हो तो बंदे को एक एतबार से ना हौसला हो जाता है, चलो वो भी अजनबी थे, मैं भी अजनबी था, वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था। अगर कोई जानने वाले होते तो वो कहते पता नहीं हाजी साहब को क्या मसला है, लोग इनको क्यों इस तरह मार रहे हैं। तो इंसान के ऊपर ये सोच तारी हो जाती है। मेरे भाइयों ये एक कैफियत है। अब आखिरत के मैदान के बारे में सोचिए, जहां पे दोस्तों अहबाब भी होंगे, बीवी बच्चे भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, मोहल्लेदार भी होंगे, हर ताल्लुक वाला होगा, और वहां पे जब आमालनामे खुलेंगे तो तब पल्ले क्या निकलेगा, उस रुसवाई के बारे में हमने तैयारी क्या की हुई है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दावत फिक्र इंसान को दे रहे हैं, हजरत इंसान उस दिन के लिए आगे तूने क्या भेजा है, क्या जमा किया है। मेरे भाइयों इसमें कोई शक नहीं, ये एक फानी जिंदगी है, फानी दुनिया है, कई आए और कई चले गए। और फारसी का शायर अपने शेरों में इस बात को कहता है, जिसका तर्जमा यह है, वो कहता है एक मकान के बाहर अपना ना, फारसी का शायर अपने मकान के बाहर एक तहरीर लिखता है, कहता है जमीन तो असल उसी की है लेकिन इस मरतबा बारी हमारी लग गई, इस जमीन पे कई आए और कई उठ के जनाजे चले गए, इस दफा रहने की बारी हमारी है, जब हमारी बारी पूरी हो जाएगी मालिक हमें भी जमीन के नीचे बुला देगा। तो ये मेरे भाइयों सफर है, और इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को नसीहत फरमाई थी, वह नसीहत भी तो यही थी, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, दुनिया इस एतबार से गुजारना जैसे कोई मुसाफिर होता है, और इसको सफर समझ के जिंदगी की सांसों को पूरा करना, सफर समझ के इस जिंदगी के मरहलों को तय करना, यह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को। अब मेरे भाइयों
हम में और उनमें फर्क कहां पे आता है? हैं तो वो भी उसी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम भी उन्हीं के उम्मती, फर्क कहां पे आता है? उन्होंने इस जिंदगी को इस्तेमाल किया आहरत की अबदी लज्जतें और अल्लाह की जन्नत की नेमतों को हासिल करने के लिए, और हम इस सफर से इतना दिल लगा बैठे कि जैसे हमने समझा कि ये सांसें, ये वजूद, ये जिंदगी की ऐशो आराम, ये जिंदगी की हर घड़ी, इस पे शायद हमारा ही राज है, किसी और के मर्जी इस पे नहीं चलती। फर्क यहां पे, वो मुसाफिर बन के यहां से गुजरे और आहरत की मंजिलों के दर्जात सआदतें अल्लाह की रहमतों को पाने वाले आमाल करते चले गए। उनके आमाल नामों में क्या था, उनकी नियतें कैसी थी, हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन की हयात मुबारका को पढ़ा जाए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए इन लोगों के आहरत के बारे कैसे जज्बात थे। आपने अपनी जिंदगी में मदीनतुर रसूल से पैदल चल के 25 बार बैतुल्ला खाना काबा का हज किया, 25 बार मदीना से पैदल चल के गए और पैदल चल के आए, ये 485 किलोमीटर का वाया, इतना फासला, इतनी मुसाफत। नवासा रसूल के पास सवारियां भी थी, रस्ते में सवार करने वाले लोग भी थे, सब कुछ था, लेकिन हजरत हुसैन से पूछा गया आप ये पैदल सफर क्यों करते हैं, तो नियत उनकी देखें क्या थी। आप फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा जिस दिन के बारे में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज ये फर फर चलने वाली जुबान पे अल्लाह कहते हैं इस मुंह पे हम मोर लगा देंगे, तब हाथ बोलेंगे, तब पांव गवाहियां देंगे ये बंदा दुनिया में क्या करता रहा। तो हुसैन रजी अल्लाह ने फरमाते हैं मैं चाहता हूं जब मेरे मुंह की बजाय अल्लाह मेरे हाथों और पांव से गवाहियां ले तो मेरे पांव बोल के बताएं अल्लाह ये तेरा बंदा इतनी बार तेरी बख्शिश को हासिल करने के लिए पैदल चल के गया था। ये सफर है, ये दुनिया के अंदर मेरे भाइयों कुछ मुसाफर इस तरह के भी गुजरे हैं। आज हमारे सफर होते हैं सिर्फ दुनिया की लज्जत परस्ती के लिए, हमारे सफर होते हैं सिर्फ दुनिया के इनाम नजारों के लिए, जिसमें दिल्लाहियत, जिसमें इलम, जिसमें आहरत, जिसमें मोहब्बत रसूल की हादर, कोई मुशक्कतें सऊबतें, ये दूर दूर तक तसव्वुर लेके भी कोई घर से नहीं निकलता इल्ला माशाल्लाह। मेरे भाइयों बहसियत मुसाफिर जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, कभी अपनी जिंदगियों में अपने असलाफ की तरफ भी नजर दौड़ाइए। इस दुनिया में कुछ मुसाफर ऐसे भी आए जिनके पास आहरत का बड़ा लंबा सफर तय करने के लिए उन्होंने कैसा कैसा ज्यादा राह जमा किया। हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते थे। हजूर अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में थे तो मदीना मुनव्वरा में हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को भेजा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अपना सफीर, अपना मुबल्लिग, इस्लाम का प्याम दे के भेजा। और मुसअब बिन उमैर वो मुबारक इंसान साबित हुए जिस अकेले बंदे की मदीना में तबलीग से 600 बंदों ने इस्लाम कबूल किया था। एक तरफ हम हैं कि अपने घर को नहीं बदल सके, घर के चार बंदों को मुसलमान नहीं सही बना सके, एक तरफ वो हैं अकेले बंदे ने मदीना की काया पलट दी जाके और 600 बंदे मुसलमान हो गए। अब ये जो अव्वलीन मुसलमान हुए थे ना पहले पहले, उनमें ये 75 अफराद थे, 75, इसको अकबा बैत अकबा कहा जाता है। ये 75 अफराद
जिनमें 73 मर्द थे और 2 औरतें थी, इनके दिल में आया हमने मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु के हाथों इस्लाम तो कबूल कर ही लिया है, क्यों ना जाके मक्कतुल मुकर्रमा में रिसालते माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात भी कर आए और उनकी जियारत का शरफ भी हासिल कर ले। क्योंकि अभी इन्होंने हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथों ही कलमा पढ़ा था। तो ये 75 अफराद मदीना से निकले मक्का गए। जब मक्का पहुंचे रिसालते माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हम आपकी मुलाकात के लिए मदीना से आए हैं। ये हजूर अलैहि सलाम की जिंदगी जो मक्की जिंदगी थी आखिरी साल थे, मक्के में इंतहाई ज्यादा खतरा था। आप अलैहि सलाम की मुखालफत करने वाले पूरे जोरों शोर पे थे। तो आप अलैहि सलाम ने इनको पैगाम भेजा, मदीने वालों तुम्हारी और मेरी जाहरन मुलाकात मुमकिन नहीं, मक्के वाले हर उस बंदे पे नजर रखे हुए हैं कि जो मुझ मोहम्मद से मिलने आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ऐसा करो, हज के अय्याम थे, फरमाया जब हज के दिन मुकम्मल हो जाए तो हज के दिनों के बाद अकबा की घाटियों में जमा हो जाना, लेकिन इकट्ठे ना आना, एक एक दो दो करके वहां पे जमा होना और मुझ मोहम्मद का इंतजार करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर वहां पे आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तो ये 75 अफराद जो मदीना से गए, ये वहां पे रात के वक्त पहाड़ियों के चक्कर काट काट के 1-2-3 टोलियां बना के रास्ते बदल बदल के अकबा की घाटी में जमा हुए। आधी रात के करीब वक्त हुआ तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। हजूर अलैहि सलाम के चचा हजरत अब्बास इस सफर में हजूर अलैहि सलाम के साथ, हालांकि अब्बास रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन चूंकि हजूर अलैहि सलाम की जान को खतरा था तो अब्बास ने कहा भतीजे अकेले ना जाइए, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं देखूं तो सही अहर वो हैं कौन जो आपको मिलने के लिए आए। तो अब्बास रजी अल्लाह अन्हु साथ आए, जब तशरीफ लाए वहां पर हजूर अलैहि सलाम को हुक्म दिया हजरत अब्बास ने कि आप जरा खामोश रहिए, मैं इनसे तारुफ करता हूं। पूछा कहां से हो? कहा जी मदीना से। कहा मदीने वालों खैरियत से आए हो? कहा जी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए आए और इनको दावत देने आए हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम यहां मक्के में आपकी जान को खतरा है, आप मक्का छोड़िए हमारे पास मदीने आ जाइए। तो अब्बास कहते हैं मदीने वालों इस बात का नतीजा तुमको मालूम है जो कह रहे हो? मदीने वाले कहते नहीं, बड़ी खूबी से मालूम है, अच्छी तरह से। फरमाया वो किया? काजी मदीने के यहूदी हमारे मुखालफ हो जाएंगे, मक्के वाले हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, यही नतीजा निकलेगा। तो अब्बास कहते हैं अगर ये मामला बन गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आ गए, उधर से मक्के वाले भी मिल गए, मदीने के यहूदी भी मिल गए और मिलकर तुम पे हमला किया, क्या मोहम्मद का दिफा कर लोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यहां पे जो मदीने वालों ने जवाब दिया था वो सोने के पानी से भी लिखा जाए तो हक अदा नहीं होता। उन्होंने कहा अब्बास जरा रिसालते माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आ तो ले दो, हम मदीना वाले तलवारों की छाओं में पले हैं और तलवारों की आगोश में जवान हुए, जरा इनको मदीना आने दो। अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मदीना आने के बाद किसी ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ मैली नगाह से भी देखा, हम मदीना वाले साबित करेंगे हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जितनी मोहब्बत करते हैं अपने बीवी बच्चों से भी उतनी मोहब्बत नहीं करते, इनको मदीना आने। तो ये सवाल जब अब्बास ने किया और आगे से ये जवाब मिला तो अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा मुस्करा हुआ। तो हजूर अलैहिस्सलाम के कंधे पे हाथ रख के कहने लगे भतीजे मेरा ख्याल है ये लोग आपके साथ पूरी वफा करेंगे, आप इनके साथ मदीना चले जाएं। तो ये अब्बास जहां इतने मुतमिन हुए और ये जो जज्बात थे इन पे कायनात का रब कितना को राजी हुआ होगा,
इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब ही फरमा दिया था कौम कद वजबत लकुमुल जन्ना, और मदीना से आने वालों जाओ मेरे भाइयों पलट जाओ, अल्लाह ने तुम 75 लोगों पे जन्नत को वाजिब कर दिया। ये मैंने सारा वाकया मेरे भाइयों क्यों सुनाया आपको, इसको जहन में रखना है कि बदर की जंग में शरीक होने वाले सहाबा भी और इन अकबा की घाटियों में जाके मिलने वाले सहाबा को याद करके कहते थे कि अकबा की घाटी में जाके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मिलने वाले हमसे ज्यादा अफजल लोग थे। ये बदरी सहाबा का हदीस और सियर की किताबों के अंदर मौजूद है। ये जो 75 लोग मदीना से मक्का जाके मिले थे ना, इनमें एक सहाबी थे हजरत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला। अब ये मैं एक बंदे की बात सुनाने लगा हूं आपको, वरना इस मुलाकात में जितने अफराद हैं हर एक शख्सियत पे अल्लाह की कसम पूरा दरस तैयार होता है। हजरत साद बिन रबी थे रज़ियल्लाहु ताला, इन सहाबा में से एक। अब इन्होंने वादा किया कि अल्लाह के रसूल कभी वक्त बना ना, हम साबित करेंगे जितनी मोहब्बत आपसे है अपने बीवी बच्चों से भी उतनी नहीं। अब कैसे साबित किया, और वक्त बन ही गया, बदर की जंग हुई, उसके बाद ओहद का मैदान सजा, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा आपने कई बार उलमा की जुबान से सुना है, ओहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदा सहाबा में देखा साद बिन रबी कोई नहीं, जख्मियों में देखा साद बिन रबी कोई नहीं, शुहदा के वजूद पड़े हैं वहां नजर दौड़ाई तो साद बिन रबी कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि कहीं साद को दुश्मन पकड़ के तो नहीं ले गया, तो आपने इस्लाम ने तब इरशाद फरमाया, सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, दीगर हदीस और सीरत की किताबों के अंदर भी है, मन साद बिन रबी, कौन है जो साद बिन रबी की खबर मालूम करके आए। एक सहाबी गालबन अब्दुल्ला बिन मसूद थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उठे या रसूलुल्लाह मैं आता हूं। फरमाते हैं मैं गया, जिन्होंने ओहद के मैदान को देखा है वो जानते हैं सारा पहाड़ी इलाका है, तो फरमाते हैं मैं यूं पहाड़ों के ऊपर चढ़ता उतरता देखता हूं, एक घाटी के अंदर मुझे हजरत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिरे हुए नजर आए। फरमाते हैं मैं जल्दी से नीचे उतरा, जब वहां पहुंचा, अब मेरे भाइयों दिल थाम के सुनिएगा, वजूद तो हम ही जैसा है, गोश्त पोश्त के इंसान, वजूद भी हम ही की तरह के, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैंने करीब जाके जो मंजर देखा कि साद बिन रबी के सीने से आर पार 5 नेजे गुजरे हुए थे, 5 नेजे। सिर्फ यहीं पे बस नहीं, आप फरमाते हैं मैंने साद के कान के करीब अपना यानी चेहरे के करीब अपना चेहरा किया, सांस की आवाज आ रही थी, शायद मैं समझता हूं अल्लाह ने ये सांसें भी उदार इसलिए रखी थी कि साथ जाते जाते उम्मत को मोहब्बत रसूल का पैगाम समझा दे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं करीब हुआ तो मैंने सांस चलती देखी, तो मैंने कान में कहा साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कहते और तेरी खैरियत मालूम करते। साद ने आंखें खोली तो फरमाते हैं मुझे देख के कहने लगे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कह देना, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कहना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने मदीना से मक्के जाके एक वादा किया था आपसे, वही वादा जो अकबा की घाटियों में किया था कि कभी वक्त बना हम साबित करेंगे आप अलैहिस्सलाम से जितनी मोहब्बत है अपने बीवी बच्चों से भी उतनी मोहब्बत नहीं। तो कहना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद कहता है मेरे वजूद को देख के अंदाजा कर लीजिएगा कि साद ने आज अपना वादा पूरा कर दिया।
और दूसरा पैगाम मेरी कौम को देना, मेरे कबीले को, मेरे खानदान को, मेरी बरादरी को। साद बिन रबी की दो बीवियां थी, अहलो अयाल वाले थे। कैसी मोहब्बत इन लोगों में, रूह निकल रही है, जिस्म खून से तर है, जख्मों से चूर है, लेकिन बीवियों के बारे में वसीयत कोई नहीं, औलाद के बारे में फिक्र नहीं। फरमाया मेरे कुंबे कबीले कौम को जाके पैगाम दे देना। साद कहता है जब तक आंखों में पलक झपकने की हिम्मत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे, आज ना आने देना, वरना क्यामत को रब्बुल आलमीन को मुंह नहीं दिखा पाओगे। वो फरमाते हैं ये लफ्ज से आखिरी के रूह प्रवास कर गई, और सहाबा फरमाते हैं हमने रब साद बिन रबी के वजूद मुबारक को देखा ना वफात के बाद। ये पांच नेजे तो आर पार गुजरे हुए थे, इसके अलावा जिस्म पे तीरों तलवारों के 80 जख्म मौजूद थे। फरमाते मैं बागा हुआ आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने इस्लाम को आके सारी खबर दी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद सहाबा तो और भी वहां पे थे, आपके चचा सैयद शुहदा हजरत हमजा भी शहीद हुए थे, लेकिन साथ अपने वादे की जो पासदारी करके गए और जो आखिरी अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम देकर गए, अल्लाह के नबी खड़े हुए, उठाइए हदीस की किताबें और आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के इल्तजा की, अल्लाहुम्मल्का साद इब्न रबी व अंता अन्हु राज़िन, अल्लाह मेरा साद तेरी बारगाह में आ रहा है, अल्लाह इस तरह मिलना मेरे साद से कि अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे। ये मैंने मोहब्बत का एक नमूना पेश किया है। सहाबा जिंदा थे तब भी हजूर अलैहिस्सलाम से, दीन इस्लाम से इस तरह कट मरने के लिए तैयार। और भाइयों ये भी तो इसी जिंदगी के मुसाफर थे, इनको दुनिया की लज्जतों ने गाफिल नहीं किया, दुनिया की रंगीनियों ने मोहब्बत रसूल में कमजोर नहीं किया। आज 20 उजर हमारे सामने लाइन बना के खड़े होते हैं, हमारी बीवियों के ख्याल, हमारे बच्चों के ख्याल, हमारे अहलो अयाल की फिक्र, कई जगह पे हमारे पांव की जंजीर बन जाती है, लेकिन आफरीन इन लोगों पे कोई दुनिया की सोच अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इनके पांव की रुकावट नहीं बन सकी। ऐसे अजीम लोग थे, और ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा तो वो थे, आप अलैहिस्सलाम दुनिया से चले भी गए, उन्होंने एक एक फरमाने रसूल अलैहिस्सलाम से उसी तरह मोहब्बत नभा के दिखाई। अल्लाह की कसम रश्क आता है इन लोगों की जिंदगियों को पढ़ के। अब हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया हदीस की किताबों में पढ़िए, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में दर्ज किया है। जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बुढ़ापे की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में, और इनको पता चला कि किसी मसले में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा की मजलिस में एक इरशाद फरमाया। वो हदीस जिन सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, उनमें से एक सहाबी सिर्फ जिंदा है, बाकी सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके, और उनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस है रजी अल्लाह तआला। जाबर रजी अल्लाह ने कहां के रहने वाले, मदीना के, और अब्दुल्ला बिन उनैस कहां के रहने वाले, शाम के। उम्र बुढ़ापे की, लेकिन पता चला मेरे नबी की जुबान से निकले हुए कुछ मोती अब्दुल्ला बिन उनैस के पास हैं। अब मोहब्बत क्या है, हम तो सिर्फ नारे मार के इश्क नभाने के आदि लोग हैं, हमें क्या पता कि मोहब्बत के सफर इन लोगों ने कैसे कैसे किए थे। जाबर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने घर का कुछ सामान बेचा, बाद रिवायात में हजरत अबू अय्यूब अंसारी का नाम लिया था,
अपने घर का कुछ सामान बेचा, सामान बेच के उन्होंने ऊंटनी को खरीदा कि जो मदीना से शाम तक इस पे बैठ के सफर करना है। अब मदीना से निकले, शाम गए। ये हमारी आजकल की लग्जरी गाड़ियों का सफर नहीं था भाइयों। यहां लाहौर से सफर करके वापस आते हैं, नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, हमारी नमाजें कजा हो जाती। यह सफर ऊंटों और घोड़ों का सफर था जो सर से पांव तक बंदे के जिस्म के एक एक जोड़ को हिला के रख देता है, और बुढ़ापे का आलम था। जाबर मदीना से निकले, शाम गए। ये 20-23 दिनों का सफर करके लैलन व नहारा, दिन और रात सुबह शाम की मुसाफतें तय करके शाम पहुंचे। किसी बंदे से पूछा, अब्दुल्ला बिन उनैस का घर? उसने कहा जी फलां जगह पे है। वहां गए, गुलाम बाहर खड़ा था। हजरत जाबर फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन उनैस। उसने कहा यही घर। आपने फरमाया कि उन्हें बोलो कि मदीना से जाबर आए। गुलाम अंदर गया, कहते जी जाबर नाम के कोई बुजुर्ग है। गुलाम को नहीं पता था ये सहाबी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला बिन उनैस ने नाम सुना तो गुलाम से कहते हैं, पूछो मदीना तो रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबर हैं तो जाबर बिन अब्दुल्ला तो नहीं कही? गुलाम आया, कहते जी मदीना तो रसूल से। कहा हां। आपका पूरा इस्तेग्राम ही? फरमाया जाबर बिन अब्दुल्ला। उसने अंदर जाके बताया, एक ही नबी के मजलस के साथी, एक ही क्लास में बैठ के, एक ही सोहबत में फैज़ नबूवत हासिल करने वाले। वो क्या पुरानी सारी यादें घूम गई अब्दुल्ला बिन उनैस के ज़हन में। उठे, बाहर तशरीफ लाए और जाबर बिन अब्दुल्ला को देख के खुशी के आंसू निकल पड़े। कहते हैं, जाबर आज इतने अरसे के बाद मुलाकात, आओ मेरे भाई बैठो, तशरीफ रखो, आराम करो, मेरे घर को शरफ बख्शो। बैठते हैं, आराम करते हैं, बातें करेंगे। अब यहां पे हमने देखना है ये मुसाफर कैसे थे। हमारे सफर मरी, इस्लामाबाद, नथिया गली के, इनके सफर कैसे थे। और आराम भी करना गवारा नहीं। वो फरमाते हैं, आइए आराम कीजिए। और ये जाबर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, अब्दुल्ला मेरे भाई मैं बैठने नहीं आया, आराम करने नहीं आया, मैं बैठूंगा भी नहीं। मुझे पता चला है फलां मसले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया था। वो हदीस जिन सहाबा ने सुनी, उनमें से सिर्फ आप इस वक्त जिंदा हैं। बस मुझे जल्दी से वो वाकया बयान कर दीजिए, क्या मजलस थी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था। अब्दुल्ला बिन उनैस ने वो हदीस सारी हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला को सुनाई। जाबर बिन अब्दुल्ला 20-23 दिन का सफर किया तो हदीस सुनने के बाद ना ऊंटनी का रुख मोड़ लिया मदीना की तरफ। तो अब्दुल्ला बिन उनैस ने पकड़ा, कहते हैं बैठेंगे नहीं। अब यहां जो जुमला बोला कमाल था, कहते हैं अब्दुल्ला पहले तो तड़प ये थी कि मैं बस पहुंच जाऊं तेरे पास, ये ना हो कि बुढ़ापे का आलम है, रस्ते में मौत आ जाए और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान से महरूम ना रह जाऊं। अब बैठना इसलिए नहीं कि मुझे डर यह है मौत ना आ जाए, और जो पैगाम रसूल सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे तक ना रह जाए। मैं जल्दी से मदीना पहुंचना चाहता हूं और अपनी नस्लों तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का यह फरमान मुंतकिल करना चाहता हूं। और कौन है? एक फरमान रसूल अलैहिस्सलाम को शाम जाके सुनने वाले। ईमानदारी से सोचो मेरे भाइयों, आज कभी अल्लाह के दीन को सुनने के लिए हमें स्पेशल सवारी खरीदनी पड़ी हो, हमें घर का सामान बेचना पड़ा हो, और वो चल के जाते थे दीन के लिए, वो चल के जाते थे। या हमारे पास दीन चल के आता है, वो चल के दीन की तरफ जाते थे, हमारे पास दीन चल के आता है। कितने कितने मशाइख आते हैं यहां, कितने कितने उलमा हर जुमे हर मस्जिद में अल्लाह के दीन का वाज सुनाने आते हैं। वो चल के जाते थे, नखरा कोई नहीं था।
हमारे पास दीन चल के आता है। और नहरे का आलम यह है, लोग जुमे वाला दिन हरामा हरामा टहलते टहलते नवाबों की तरह तब आ रहे होते हैं मस्जिद में जब इमाम खुतबा मुकम्मल करके नमाज की इकामत हो रही होती। हमारी दीन की कदर क्या है? कदर तो उन लोगों को पूछे जो एक फरमान रसूल के लिए इतना सफर करके गए और बगैर आराम किए इतना सफर करके वापस आए। ये मेरे भाइयों मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलाम की अजीम मिसाल है। आज हम खुद अपने घर से निकलते हैं, इस वाक्य से दूसरी बात समझिए, हम खुद अपने घरों से निकलते हैं, दीन की बात सुने। जाबर बिन अब्दुल्ला ने क्या कहा था? कहा अब्दुल्ला मुझे वापस जाने दो, ये जो फरमान रसूल अलैहिस्सलाम सुना है अपनी नस्लों तक मदीने मुंतकिल करना है। हुक्म तो यही है ना उम्मत को, फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइब, और जो हाजिर है सुनने वाला उन तक मेरा पैगाम पहुंचाए जो हाजिर नहीं। यह हज्जतुल विदा के मौका पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हम यहां एक बाप आता है अकेले तस्बीह फेरता फेरता नमाज पढ़ी घर चला गया, घर जाके हम तो इतनी सी दीन की बात करने को तैयार नहीं कि बंदा अपनी औलाद को पूछ ले कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हमने दीन को आगे मुंतकिल कैसे करना भाई? हम तो अपने घर में दीन की बात को करना छोड़ दे। और मेरे भाइयों आए मोहब्बत रसूल का एक और नमूना देखिए, ये कैसे सफर करने वाले लोग थे। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने एक सहाबी के साथ मिलकर कारोबार किया, हजरत इत्बान बिन मालिक रजी अल्लाह के साथ कारोबार हुआ। आज यहां कई मेरे कारोबारी भाई बैठे होंगे, ईमानदारी से सोचिएगा बहसियत एक उम्मती के, आज पूरी उम्मा मुस्लिमों में से इन जज्बात के साथ और इन शराइत के साथ किसी ने किसी के साथ कारोबारी शराकत की हो। हजरत उमर ने इत्मान में मालिक से मिलकर कारोबार किया तो फरमाते हैं तेरे मेरे कारोबार एक शर्त है, यहां शर्तें तय होती हैं मुनाफे की, यहां शर्तें तय होती हैं अपने अपने मुफाद की, वहां मुनाफे का झगड़ा कोई नहीं, मुफाद का रोला ही कोई नहीं। शर्त क्या है? एक दिन कारोबार से आपकी छुट्टी है, एक दिन मेरी छुट्टी है। इत्मान बिन मालिक कहने लगे हजरत उमर से, सैयदना छुट्टी एक दिन आपकी एक दिन मेरी, और करना क्या है? अब यह है शर्त, फरमाया इसी शर्त पे तो कारोबार करना, और जिस दिन मेरी छुट्टी होगी मैं सुबह से लेके शाम तक इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलस में सारा दिन गुजारूंगा, और मैं देखूंगा हमारे नबी कौन सी कोई नई तालीम उम्मत को देते हैं, कौन सी कोई नई वही आसमान से नाजिल होती है, कौन सी कोई नई हिदायत का पैगाम उम्मत के सीनों में रिसालते माब की जुबान से मुंतकिल होता है। सुबह से शाम तक मैं सारा कुछ नोट करूंगा, अगला दिन मैं कारोबार पे बैठूंगा और तू जाना सारा दिन तू देखना, जिस दिन मैं सुन के आऊंगा मैं सारा दिन आके तुझे सुना दूंगा, जिस दिन तू सुन के आएगा तू सारा दिन आके मुझे सिखा देगा। क्या जज्बे इन लोगों को, हम कहते हैं हमारा कारखाना चलता रहे, अजाने होती हैं होती रहे, हमारी दुकान बंद ना हो, दीन का काम निकलता है निकल जाए, गुजरता है गुजर जाए। और भाइयों इस जिंदगी के सफर में पहले हम ही नहीं, हमसे पहले भी कुछ ऐसी हस्तियां गुजरी, अपनी जिंदगियों पे गौर तो करो भाइयों, हमने अपने दामन में जमा क्या किया? ये तो सहाबा थे, उनकी मनकबत उनकी फजीलत उनकी अजमत उनकी शान उनकी रिफत ये तो सब कुछ अपनी जगह पे। आओ मेरे भाइयों एक आधा वाकया सुना के बात को मुकम्मल करता हूं, बाद के अदवार में आ जाओ सहाबा इकराम किस तरह मोहब्बत कर, सहाबा के बाद में आने वाले ताबीन तबा ताबीन फिर मुहद्दिसीन किस तरह मोहब्बत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस के लिए मोहब्बत रसूल में सफर किस तरह करते थे,
एक इमाम गुजरे जिनका नाम इमाम बकी बिन मखलद है रहमतुल्लाह अलैह। कहां के रहने वाले थे? उंदलस के। और उंदलस से चले बगदाद। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ये जो सफर था ना, ये बड़ा कितना था, ये 2-4-50 किलोमीटर की बात नहीं थी। इमाम ज़हबी लिखते हैं ये 5000 किलोमीटर का वाया बनता है। और मजे की बात ये, हजरत इमाम बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारे का सारा सफर पैदल चल के तय किया था। और अगली बात, आज बंदा घर से निकलता है, शहर से बाहर निकला, साथ ही कड़क फोन, घर वालों का हालचाल पूछ लिया, घर वालों ने उसका पूछ लिया। और ये तब की बातें हैं जब पता नहीं दोबारा मुलाकात नसीब होनी भी है कि नहीं। वापस आए तो दिल चाहे मां दोबारा नजर ना आए, बाप नजर ना आए, वो सफर थे। तो इमाम बकी बिन मखलद ने उंदलस से बगदाद का सफर 5000 किलोमीटर का पैदल तय किया, और तय करने में बकी बिन मखलद को पूरे 2 साल का अरसा लग गया। 2 साल ये पैदल चलते रहे। मकसद क्या था? हमसे 10 मिनट का रास्ता नमाज का तय नहीं होता है, 10 मिनट का फासला पैदल जुमे के लिए तय नहीं होता, और ये 5000 किलोमीटर चल के 2 साल चलते रहे। बगदाद पहुंचे, बगदाद में उस वक्त इमाम थे, इमाम अहले सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिस इमाम वक्त को 7.5 लाख हदीसे रसूल याद थी, वहां आए इमाम अहमद बिन हम्बल की जियारत के लिए। इमाम अहमद बिन हम्बल से हदीस का इलम सीखने के लिए जब बगदाद में दाखिल हुए, लोगों से पूछा अहमद बिन हम्बल, बताने वालों ने बताया कि अहमद बिन हम्बल तो कैद में, हुक्मरानों ने नजर बंद किया हुआ है, उनके घर के बाहर पहरा है, कोई उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। हमारी तरह का दौर तो था नहीं कि जाने से पहले बंदा फोन पे टाइम बुक कर ले। पहुंचे तो पता चला 2 साल एक बंदा चल चल के आया, और आगे जिस मंजिल पे जाना था इमाम अहले सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल वो नजर बंद थे। लेकिन भाइयों, जिनके अजम पुख्ता हों, दुनिया की कोई चीजें उनके जज्बों में रुकावट नहीं बनती है। अजम पुख्ता होना चाहिए बस, हमारा अंदर ही कमजोर है। वो अजम के जवान आदमी थे, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, इमाम साहब दरवाजे के अंदर दूसरी तरफ तशरीफ लाए, पूछा कौन है भाई? कहा जी बकी बिन मखलद हूं। कहां से? उंदलस से। इमाम साहब मैं इलम हासिल करने आया। आपने हमें फौरन पलट गया, मैं हदीस नहीं सुना सकता ना पढ़ा सकता हूं, क्यों? इस वक्त मेरे घर के चारों तरफ वक्त के हुक्मरानों ने आम सादा लिबास में अपने पुलिस वाले खड़े किए हैं, हर बंदे पर नजर रखते हैं कि मैं किसी को इलम ना पढ़ा सकूं, तो यह मुमकिन नहीं। बकी बिन मखलद कहते हैं इमाम साहब कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं रोजाना आऊंगा, जितनी को बात आज की है ना, मैं फकीर के रूप में आऊंगा, आके आपके दरवाजे पे, दरवाजे के बाहर फकीर के रूप में सदा लगाऊंगा। आप बस दरवाजे के अंदर इतना को टाइम रोजाना दे दिया करें, जल्दी जल्दी मुझे एक हदीस रसूल सुना दिया करें। सुनला सुन भाइयों, क्या मोहब्बत है। वहीं बगदाद में ठहरे, रोजाना अपनी क्याम गाह से निकलते और अहमद बिन हम्बल के दरवाजे के बाहर फकीरों के रूप में वो जनाब आवाजें लगाने लग जाते। अहमद बिन हम्बल दरवाजे की दूसरी तरफ से जल्दी जल्दी अरबी में एक हदीस रसूल सुनाते, बकी बिन मखलद आ जाते। कितने दिन ऐसा किया होगा, हमारा तो दीन के लिए सबर ही कोई नहीं। या तो 10 मिनट की नमाज 12 की हो जाए, हमारी नमाज का खुशू खत्म हो जाता है। इमाम खुतबे की बात मुकम्मल करते करते, कुछ बातें ऐसी होती हैं कंप्लीट करनी होती हैं, इमाम खुतबे की बात मुकम्मल करते करते अगर 1:15 का टाइम है, 1:20 हो जाए,
मुक्तियों पर जनाब तेवर चढ़ जाते हैं कि ये हुआ कौन सा जुर्म है इमाम से। हमारा तो दीन के लिए सबर ही कोई नहीं। सबर देखिए उन लोगों में कि आप रोजाना जाते एक हदीस रसूल अलैहिस्सलाम सुनने के लिए और भाइयों एक साल मुसलसल बकी बिन महलत जाते रहे और नजरबंदियां खत्म नहीं हुई। एक साल पूरा हुआ इमाम बकी बिन महलत गए, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से खतून खाना की आवाज आई, कौन? कहा रही मैं तो हदीस रसूल हासिल करने आया हूं। उन्होंने कहा इमाम साहब की नजरबंदियां खत्म हो गई, अब बगदाद की जामे मस्जिद में जाओ, इमाम अहले सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल वहां लोगों को हदीस पढ़ा रहे होंगे। अब बकी उस मंजर की तरफ गए, बगदाद की जामे मस्जिद की तरफ, इमाम अहमद बिन हम्बल उस 7.5 लाख हदीस का आलिम हाफिज वक्त के इमाम अपनी मसनद पे बैठे लोगों को हदीस पढ़ा रहे हैं और बकी बिन महलद आ रहे हैं। बगदाद की जामे मस्जिद बरी है, सैकड़ों हजारों लोग सामने हैं, नजरबंदियां खत्म हुई, लेकिन बगदाद के इस इमाम ने, अहले सुन्ना के इस इमाम ने बकी बिन महलद को आते देखा, अहमद बिन हम्बल अपनी मसनद पे खड़े हो गए। वो क्या शान होगी, बकी बिन महलद का हाथ पकड़ा, अपने साथ अपनी मसनद पे बैठा लिया, दुनिया हैरान हुई, ये तो 7.5 लाख हदीस के हाफिज इमाम अहमद बिन हम्बल है, ये किसके एहतराम में खड़े हो गए, किसको अपनी मसनद पे जगह दी। तो आपने तब एक जुमला इरशाद फरमाया था, लोगों मैंने बड़े बड़े मोहब्बत रसूल के दावे करने वाले देखे हैं, लेकिन बकी बिन महलत जैसा मैंने मोहब्बत रसूल करने वाला किसी इंसान को नहीं देखा है। ये अजमत यूं ही नसीब नहीं होती। आज हमारे पल्ले में क्या है, एक बाप बेटी को पर्दा करवाने को तैयार नहीं, घर में नमाज की बात करने को तैयार नहीं, अपने आप को झंझोड़ने को तैयार नहीं, 10 मिनट का फासला नमाज के लिए तय करने को तैयार नहीं, दरस खुतबा दीन के लिए कुछ वक्त कुर्बान करने को तैयार नहीं, और फिर भी हमारी सारी तनकीद जब भी होती है दीन के ऊपर होती है। हमने दीन को दिया क्या है? हमारी उकताहट, हमारी बेजारियां, हमारी महरूमियों के सारे शिकवे निकलते हैं तो दीन पे। और वो लोग थे सब कुछ वार के भी, यहां हलक में तीर लगता है वो फिर भी कहते हैं रजीना बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीना, हमारी जान भी चली जाए अल्लाह तेरे ऊपर शिकवा कोई नहीं, तेरे रब होने पे राजी, तेरे नबी के रसूल होने पे राजी, और यहां सारी नेमतों के मजे उड़ा के तनकीद सारी दीन के ऊपर है। तो मेरे भाइयों अल्लाह हमें यही दावत फिक्र दे रहा है कि गौर तो करो अपनी इस फानी जिंदगी में आखरत के लिए जमा क्या किया है, तुम्हारे दामन में मोहब्बत रसूल के सफर कितने हैं, तुम्हारे दामन में अल्लाह के रसूल की हदीसें कितनी हैं, तुम्हारे दामन में अल्लाह की मोहब्बत में कितने को कदम चलना है, ये सारा कुछ अपनी जिंदगियों में जायजा लीजिए। अपने घरों में दीन की बात किया करें, खाली खुद ही तस्बीह फेर के घर जाके ना सो जाया करें, अपने दीन को अल्लाह के दीन को अपनी नस्लों तक मुंतकिल करें। अल्लाह समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम हमारे 9 बजे शुरू होने, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अगर आप इजाजत दें तो। चलें ठीक है। अहबाबे ग्रामी हमारी नशिस्त का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ, दूसरा हिस्सा सवाल जवाब का है जो शेख मोहतरम ने बयान किया है, उसी में से ही 12 सवाल आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। जिस साथी को जवाब आता हो वो सिर्फ अपना दाया हाथ खड़ा करेगा, शेख मोहतरम इंतखाब करके उससे जवाब पूछेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि हजरत मुसा बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में कितने लोगों को
मुसलमान किया और बहते उकबा में कितने लोग शामिल थे? ये बेटा आप बताएं दे जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हजरत मूसा ने और मैं ने मदीने में 600 आदमी को मुसलमान किया और जो लोग थे 73 आदमी और 2 औरतें थे। ठीक है जी, माशाल्लाह। सवाल नंबर 2, कहते आत्मा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके कौन से चचा थे और उन्होंने मदीना वालों से क्या सवाल किया? आप बताएं बेटा। आपके जो बैतुल कुआ में आपके जो चाचा थे उनका नाम हजरत अब्बास था, उन्होंने जब मदीना वालों ने आपसे बात की थी कि आप मदीना आ जाए तो उन्होंने कहा था अगर मदीना के यहूदी भी मिल जाए और मक्का के भी मिल गए आगे हमला करेंगे तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर उनका दिफा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था एक बार आप भेजे, हम तलवार के साए में ही बड़े पले हैं और बड़े होंगे। उन्होंने आगे से जवाब दिया था। माशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकअल्लाह। सवाल नंबर 3, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रहाइश किस शहर में थी और अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रहाइश किस शहर में थी? ये बेटा आप बताएं जी। हाँ जी, ठीक है। सवाल नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा को क्या वसीयत की? ये बुजुर्ग बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर को यह नसीहत की कि दुनिया एक मुसाफिर की जगह है, मुसाफिर की तरह जिंदगी बसर कर। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। सवाल नंबर 5, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शाम से वापस आने लगे मदीना में तो उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उनैस को क्या अल्फाज बोले? आप बताएं भाई। हाँ जी, सवाल नंबर 6, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और उत्बान बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान कारोबारी शराइत क्या तय हुई? आप बताएं।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से शरायत क्या हुई थी कि आप एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाएंगे और एक दिन मैं मजलिस में जाऊंगा, और जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनेंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाएंगे वो हम एक दूसरे को बताएंगे, ये उनकी आपस में शरारत है। सवाल नंबर 7, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी मर्तबा पैदल चलकर हज उमरा किया और किस वजह से किया? ये बुजुर्ग बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 25 मरतबा मदीने से चल के मक्के का सफ़र किया और इसकी कहा जो क़यामत के दिन हाथ और पाँव गवाही देंगे ना, ये हाथ और पाँव मेरी गवाही देंगे कि मैंने 25 मरतबा अल्लाह के रास्ते में दीन की खातिर सफ़र किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करे, यानी इमाम हुसैन ना कहा करे, सवाल नंबर 8, छोटे बच्चों से सवाल है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि को कितनी हदीसें जुबानी आ? ये छोटा सा बच्चा, बताओ बेटा। सवाल नंबर 9, जंगे उहद में कितने सहाबा शहीद हुए और साद बिन रबीया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कितने जख्म आए और किस चीज के साथ? आप जो भाई पीछे वाले जी, आप फिर सोच रहे नेजों के कितने थे? आप बताओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जंगे उहद में 70 सहाबा शहीद हुए और 5 नेजे बजे और टोटल 80 थे। माशाल्लाह, ठीक है। सवाल नंबर 10, हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिरी पैगाम क्या दिया और अपनी कौम के लिए क्या दिया पैगाम? ये बुजुर्ग जो आपके पीछे हैं, आप आए रहने, जो हमने वादा किया उसको पूरा कर दिया। ये तो अल्लाह के रसूल के नाम था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आप आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
उन्होंने आपसे सलाम को ये वादा किया था कि हमने जब आपको मदीना मुनव्वरा से लेने आए थे तो फिर हमने ये वादा किया था कि हम अपने बीवी और सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और उसने अपनी कौम को ये पैगाम दिया था कि आप तुम में से अगर किसी की आंख जल तो रही है फिर भी आपने आपसे सलाम की हिफाजत। सही सवाल नंबर 11 इमाम बकी बिन मखरज रहमतुल्लाह अलैहि ने कितना सफर पैदल चलकर तय किया और कितनी देर में ये सफर उन्होंने तय किया। ये पीछे एक बेटा ही छोटा हाथ खड़ा कर रहा है, आ जाओ इधर। बेटा आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उन्होंने 2000 साल सफर तय किया। अच्छा जी, आप आओ बेटा, आ जाओ। दो साल माशाल्लाह, ठीक है। सवाल नंबर 12 इमाम बकी बिन मखरज रहमतुल्लाह अलैहि इमाम अहमद बिन हम्बल से किस हालत में हदीस सुनते रहे और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि आपके लिए क्यों खड़े हुए। आप तशरीफ लाए जी। इमाम साहब फकीर की हालत में आते और पिछले दरवाजे पर आकर जब सितार लगाते तो उनको पता चल जाता कि ये दीन की तालीम के लिए आए, तो आप उनको हदीस सुनाते। और जब एक साल बाद हदीस शौक में जो आपके उधर गंगियाँ थी ख़त्म हुई तो आप मस्जिद में जब तशरीफ लाए तो इमाम साहब ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और अपनी मस्जिद पर उनको बिठाया। ये इसलिए कि आपने दीन के लिए ये एक साल सर किया। ठीक है, जज़ाक अल्लाह। सीरत के बारे में नबी वो करें करें सीरत के बारे में हमारे दो सवाल होते हैं। तो पहला सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम क्यों कहा जाता था। ये बेटा जो पीछे वाला आप आए, आप आनी आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि उनका उनके बड़े बेटे का नाम कासिम था इसलिए उनको बहुत सब हो जाता। ठीक है, सवाल नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे, उनका क्या नाम है और आपकी कितनी बेटियां थी, उनका क्या नाम है। आप आओ बेटा, पहले हो गए, पहले हो गए। अच्छा ठीक है, आप आ जाओ। उनके दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम कासिम था और छोटे का बीरा। चार बेटियां थी, सबसे बड़े का नाम जैनब फजीला था, उससे छोटी
आप आओ बेटा। आप सबके तीन बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम और आप सबके चार बेटी हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा। माशाल्लाह ठीक है। सलवार ऊपर करें। आखिरी सवाल हमारा नमाज के तर्जमे के बारे में, जिस साहिब को पूरा तर्जमा आता है इंशाल्लाह शरीफ मोहतरम पूरी नमाज जिसे जहाँ से चाहेंगे वो तर्जमा सुनेंगे और जो यहाँ पर सुनाएगा वो सामईन को फिर पढ़ाएगा। आप आओ बेटा। अत्तहियात उसे जो है ना ये तर्जमा पढ़ेगा। अत्तहियात लिल्लाह कुरान की तमाम बातें और बल्कि माजे अल्लाह के लिए सलाम और तुझ पर आए रबी और अल्लाह की नए बरकतें और रहमत सलाम हो हम पर और अल्लाह के नए फजल और ना शहादत हो अल्लाह के सिवा कोई बार के लायक नहीं और ना शहादत हो वो मसल्ले सलाम इसके बाद उसके रसूल ठीक है। जज़ाकअल्लाह ठीक है। पढ़ाएं बच्चों क्यों पढ़ाएं जहाँ भूलेगा बता देंगे। जुबान की तमाम बातें और बदनी मालिक अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम हो तुझ पर ऐ नबी और अल्लाह के रहमतें और बरकतें सलाम हो हम पर अल्लाह के नेमतों पर माशा देता हूँ। ठीक है ठीक है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं शहादत हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे इसके रसूल हैं। सही है माशाल्लाह ठीक है। सुभान अल्लाह व बिहमदिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह।